नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पिछले दो दिन से शहर में राशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिसको लेकर मुंब्रा शहर के समाज सेवकों ने सवाल खड़ा किया था और मराठी अखबार में भी खबर आई कि मुंब्रा का एक नगर सेवक हजारों टन राशन ठाणे महानगर पालिका से उठा लाया है। उसके बाद लोगों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, नगर सेवक ने राशन चुरा लाया है, इस तरह के आरोप लगा रहे थे, जिसको लेकर हमने नगर सेवक सानू पठान से एक इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है। आपने देखा होगा, अब तक 4.5 टन राशन उनको मिला है, वो भी चुरा कर नहीं बल्कि महानगर पालिका ने दिया है। और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले मुंब्रा में 3 से 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन चालू है और वेरीफाई करके अधिकारियों ने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट को जो राशन दिया है, सानू पठान जो चला रहे हैं, आज शहर में जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं सानू पठान पर, तो आज ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है, हमने जांच किया है, जो कम्युनिटी किचन जिसके चल रहे हैं उसी को राशन दिया जा रहा है और हमारे पास पूरी लिस्ट है, पूरी डेटा है, किसको कितना राशन दिया गया है। मुंब्रा प्रभाग समिति के हद में लगभग 54 लोगों को राशन दिया गया है और जो ट्रस्ट चला रहे हैं, जो ऐसे माहौल में आगे आए हैं, बाय डेट किस किस संस्था को राशन दिया गया है वो सब पूरी लिस्ट जारी किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। महेशहर ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें टोटल यानी कुल 54 लोग शामिल हैं, 54 संस्थाएं हैं जो मुंब्रा कौसा के अंदर अलग अलग जगहों पर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं महेशहर ने क्या कुछ कहा है। अभी तक बात नहीं की, अभी 2-3 दिन पहले कुछ 2 तारीख से पेपर में न्यूज आ रही है, कोई क्लिप बना रहा है कि लोगों का अनाज किसके गले में गया, बड़े चाव से किसी ने ये किया, तो उसका ये प्रूफ है कि तहसीलदार ऑफिस से कितने अनाज के बोरिया, कितना टन सामान हमारे पास आया, हमने कहाँ रखा और किनको किनको दिया, कौन सी कम्युनिटी किचन को, इसमें डिटेल है इसकी हर एक को। अभी तुरंत आपको मैं एक एक कॉपी दे रहा हूँ। आपको एक बात बताओ कि तहसीलदार ऑफिस से 22 तारीख को पहला लॉट आया हमारे जी, पास जी, उसमें 12 टन चावल थे, सिर्फ चावल आए थे। 24 तारीख को हमारे पास 2000 किलो तूर दाल आई, 2000 किलो तेल आया जी, और 28 अप्रैल को हमारे पास 15 टन चावल, 2000 किलो तूर दाल और 2000 किलो तेल आया और 500 केजी नमक आया। तो टोटल इसमें चावल हो गए 27 टन, 4 टन तूर दाल और 4 टन तेल और 500 केजी नमक हो गया। तो उसका बाइफर्केशन मैंने डिटेल में लिखा है कि टोटल हमने आज तक 25 तारीख से लेके 3 तारीख तक, यानी कल तक संडे तक, हमने 54 कम्युनिटी किचन और 54 जैसे जहाँ मंडल अधिकारी और हमारे गोसावी साहब ने, इन्होंने जायजा लिया, जाके इंस्पेक्शन किया, इनको कितना दिया ये आपको कॉपी मिल जाएगी। दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि तहसीलदार ऑफिस है और ऑनरेबल कलेक्टर साहब के ऑफिस से एक ऑर्डर निकाला गया था, उसमें कम्युनिटी किचन के लिए प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, तो संपूर्ण देखरेख यानी नियंत्रक यानी कंट्रोलर और उसके अंडर डिप्टी इंजीनियर शेंडगे साहब, या वो भी दूसरा वार्ड रहेगा उसमें डिप्टी इंजीनियर, वो नोडल ऑफिसर रहेगा, लेकिन उसमें ये भी लिखा कि सहायक आयुक्त का पावर्स है कि उसके राइट्स में वो एक से ज़्यादा नोडल ऑफिसर, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर रख सकते हैं, और मेरे पावर में मैंने गोसावी साहब को कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, नोडल ऑफिसर के ऊपर रखा है। तो आपने सुना महेशहर ने क्या कहा है। सानू पठान पर जो लगे हैं आरोप, डेटा जारी करने के बाद ये साफ हो गया, चुरा कर नहीं बल्कि अधिकारियों के एंट्री के बाद जो है राशन मिला है उन्हें, और उसके बाद उन्होंने लाया है, वो भी कम्युनिटी किचन की जो जांच पड़ताल करने के बाद, इतने लोगों की खाना बनाया जा रहा है, उन सबको देखते हुए उसी के तहत राशन ठाणे महानगर पालिका ने दिया है। सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के लगभग 3 से 4 जगहों पर जो है कम्युनिटी किचन चालू है, जिसको देखते हुए ठाणे महानगर पालिका ने उन्हें राशन दिया है। सिर्फ इन्हीं को ही नहीं बल्कि 54 ऐसी संस्थाएं हैं जो मुंब्रा कौसा में, उन्हें भी जो है राशन दिया जा रहा है, जितना वो खाना बना रहे हैं उसी के हिसाब से उन्हें राशन भी दिया जा रहा है। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।